हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दी इन चैप्टर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैटर इन आयर सराउंडिंग्स सो विल स्टार्ट विद द पेज थ्री क्वेश्चंस एंड दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर तो हमें यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स दी हुई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा मैटर है या नहीं सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं एनी थिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर तो अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम दो चीज़ों में क्लासिफाई करेंगे मैटर एंड नॉट मैटर तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ चेयर अब चेयर आप लोग अपने रूम में देखा होगा इट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इसका मास भी होता है इट ऑक्युपाई सम स्पेस ये रिजिड होती है तो मैटर के अंदर हम चेयर को क्लासीफाई कर सकते हैं अगला पॉइंट है एयर अब एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस गैसेज भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उनका भी मास होता है गैसेज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर तो एयर को भी हम मैटर वाली क्लासिफिकेशन में रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है लव नाउ लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन तो जो फीलिंग्स होती हैं इमोशंस होते हैं थॉट्स होते हैं आइडियाज होते हैं दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय अवर माइंड ये मैटर नहीं होते दीज डू नॉट हैव स्पेस और मास ठीक है इनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती इनका कोई मास नहीं होता दीज आर जस्ट परसेप्शन ऑफ अवर ब्रेन तो लव जो है इट इज़ नॉट मैटर अगला पॉइंट देखते हैं स्मेल स्मेल जो है इट इज अ परसेप्शन ऑफ ओडर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मींस ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व्स बेसिकली कोई सब्सटेंस जब ऑल फैक्ट्री नर्व्स के कांटेक्ट में आता है हमारी नोज के अंदर तो एक स्मेल का परसेप्शन क्रिएट होता है वो स्मेल प्लेजेंट भी हो सकती है अनप्लेजेंट भी हो सकती है बट जो स्मेल का कॉन्सेप्ट है इट इज़ मेयरली सेंसेशन विच इज़ फेल्ट बाय अवर ब्रेन तो स्मेल जो है इट इज़ ऑल्सो नॉट मैटर नेक्स्ट पॉइंट है हेट हेट इज अगेन अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक तो फीलिंग्स जो है दे आर नॉट काउंटेड एज मैटर इनका कोई मास या वॉल्यूम नहीं होता है अगेन अ परसेप्शन ऑफ आर ब्रेन नेक्स्ट पॉइंट है आलमंड्स एज यू कैन सी दीज हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस दीज आर सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर तो आलमंड्स को हम मैटर में क्लासीफाई करेंगे नेक्स्ट थॉट अगेन थॉट इज एन आइडिया और ओपिनियन प्रोड्यूसड बाय थिंकिंग और अकरिंग सडनली इन द माइंड तो ये भी एक माइंड की क्रिएशन होता है सो थॉट इज अगेन नॉट मैटर आगे कोल्ड कोल्ड इज अगेन अ परसेप्शन ऑफ लो टेम्परेचर हॉट और कोल्ड जो है दीज आर सेंसेशंस अ वे बाय विच अवर बॉडी सेंसेस टेम्परेचर इन इट्स सराउंडिंग्स तो अगेन कोल्ड जो है इट इज नॉट मैटर ठीक है कोल्ड का कोई मास नहीं होता कोई उसकी वॉल्यूम नहीं होती है. नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर यूजुअली लिक्विड्स की फॉर्म में होती है कोल्ड ड्रिंक्स उसके अंदर थोड़ी बहुत गैस भी मिली हुई हो सकती है तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसको मैटर में क्लासीफाई करेंगे लास्ट पॉइंट इज स्मेल ऑफ परफ्यूम अब स्मेल जो है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इट इज अ परसेप्शन ऑफ ओडर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मीन्स ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व तो स्मेल जो है वो हमारे जो नोज जो है उसकी नर्व्स परसीव करती हैं कि किसी मैटर का स्मेल कैसा है इट इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट तो परफ्यूम जो है वो मैटर है ठीक है परफ्यूम की बॉटल के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम स्प्रे करते हैं तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये गैस के पार्टिकल्स जब हमारी नोज तक पहुंचते हैं वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दी ऑल फैक्ट्री नर्वस तब एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है ऑफ प्लेजेंट स्मेल ठीक है आपको परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है तो परफ्यूम तो मैटर है लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो स्मेल का ही पार्ट है इट इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ अवर ब्रेन तो स्मेल ऑफ परफ्यूम को हम नॉट मैटर में क्लासिफाई करेंगे तो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर वन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज थ्री गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचिज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज तो जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल बहुत जल्दी हम तक पहुँच जाती है काफ़ी दूर डिस्टेंस पे भी लेकिन अगर ठंडे खाने को आपको स्मेल करना है तो यू हैव टू गो वेरी क्लोज टू द कोल्ड फूड इसके पीछे क्या रीज़न होता है ये हमें अभी डिस्कस करना है तो सबसे पहले स्मेल की डेफिनेशन देख लेते हैं टू परसीव दी ऑर्डर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मींस ऑफ ऑल फैक्ट्री नर्व्स इसका मतलब है हमारे नोज में जो ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं उसके कांटेक्ट में अगर कोई सब्सटेंस आता है तो वो नर्व्स उस सब्सटेंस की ओडर को या उस सब्सटेंस की सेंट को परसीव करती हैं बाय सेंडिंग सम सिग्नल्स टू आवर ब्रेन तो जब खाने में कुछ वॉलेटाइल फूड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है खाने में बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे उसमें से कुछ सब्सटेंसेज आर वोलेटाइल वो गैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के पार्टिकल्स रैंडमली बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं एंड दीज पार्टिकल्स रीच अवर नोजेस तो फिर उन पार्टिकल्स को हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं गिविंग अस अ सेंस ऑफ स्मेल तो जब हम खाने को गर्म करते हैं तो फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे आर एबल टू तो ट्रेवल टू फर्दर डिस्टेंसेज एज कंपेयर टू कोल्ड फूड तो हॉट तो फूड तो में बहुत सारे सब्सटेंसेज जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स एयर में बहुत स्पीड से मूव करते हैं यही रीजन है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे

सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है गैस पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है जबकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो गैस पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स की स्पेसेज के कंपेरिजन में बीच में आती हैं तो दैट इज वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कट थ्रू सॉलिड्स बट वेरी ईजी टू कट थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेज एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बकेट में आप पानी रखिए एंड यू कैन वेरी इजिली मूव योर हैंड इनसाइड वाटर आप वॉटर के सर्फेस को कट करते हुए उसके अंदर अपने हैंड को बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं लेकिन अगर एक सॉलिड वुडन टेबल है तो योर हैंड कैन नॉट कट थ्रू दैट टेबल इजीली तो ये सब के पीछे द मेन रीजन वॉज दैट द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री इन क्वेश्चन नंबर फोर ऑन पेज थ्री वी हैव टू डिस्कस वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो हमने बुक में क्लियरली पढ़ा है अभी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नंबर वन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है सॉलिड्स के केस में स्पेसिंग कम होती है लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेसेस होती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग कॉन्टिन्यूस मोशन होता रहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर सॉलिड्स के केस में ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं लिक्विड्स के लिक्विड्स uh, uh, के केस में सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं और गैसेस के केस में दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर द लीस्ट गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट

आयरन और इन सबको हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है यानी कि सबसे कम डेंसिटी वाली टर्म टा, को पहले लिखेंगे और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस को सबसे लास्ट में हमें लिखना है तो यहां पे चालू करते हैं इसमें आप नोट करेंगे कि यहां पे एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो है दीज आर गैसेस गैसेस की डेंसिटी इन जनरल सबसे कम होती है तो डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी तो so, चिमनीस में से जो एग्जॉस्ट आता है इट इज़ कम्पराइजिंग ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेज विच आर मिक्स टूगेदर अलॉन्ग विद एश तो ये सब जो गैसेज होती हैं और साथ में एश मिक्स होता है इसकी वजह से इसकी डेंसिटी एयर के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है इसीलिए चिमनीज से निकलने वाला एग्जॉस्ट सराउंडिंग्स में जाके सेटल हो जाता है बिकॉज इट इज डेंसर दैन एयर आगे हम यहां पर देखेंगे कि वी हैव गॉट हनी वाटर चौक कॉटन और आयरन इसमें से हम नोट करेंगे कि जो वाटर है और कॉटन है इनकी डेंसिटी काफ़ी हद तक कंपेरेबल है अब इनके केस में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ कॉटन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड ऑफ कोर्स कॉटन सॉलिड होता है एयर और एग्जॉस्ट से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कॉटन जो है इट इज़ अ पोरस सब्सटेंस इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है जिसकी वजह से कॉटन के सैंपल का जो टोटल वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है एंड इट इज़ लेस देन लेस डेंस दैन वाटर अब यहाँ पर हमने एयर एग्जॉस्ट फ्राम चिमनी वाटर और कॉटन को देख लिया है आगे हनी और चौक को देखते हैं अब वाटर की डेंसिटी होती है वन ग्राम पर एम एल उसके कंपेरिजन में हनी जो होता है इट इज़ मच डेंसर हनी की डेंसिटी अराउंड वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव ग्राम्स पर एम एल की रेंज में होती है इट इज़ वन पॉइंट फाइव टाइम्स मोर डेंस देन वाटर इसीलिए पानी के अंदर अगर हम हनी को मिक्स करते हैं तो हनी जो है उसके बॉटम में जाके सेटल हो जाता है हनी के कंपैरिजन में चौक की डेंसिटी ज़्यादा होती है चौक की डेंसिटी 2 से 2.5 पॉइंट फाइव ग्राम्स पर एम तक होती है तो इट इज़ मच मोर डेंसर देन दीज प्रीवियस आइटम्स और लास्ट में हमारे पास बचा है आयरन आयरन की डेंसिटी इन सब आइटम्स में सबसे ज्यादा होती है इट इज़ अराउंड 7.5 पॉइंट फाइव टाइम्स मोर डेंस देन वाटर तो इन सभी पॉइंट्स के कंपेरिजन में आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज फॉर द गिवन आइटम्स एयर की डेंसिटी सबसे कम है देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी उससे ज्यादा डेंस कॉटन है उससे ज्यादा डेंस वॉटर देन डेंसिटी ऑफ हनी आएगी उसके बाद डेंसिटी ऑफ चौक एंड फाइनली डेंसिटी ऑफ आयरन सो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन लेट्स नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज सिक्स द फर्स्ट पार्ट्स इज टेब्युलेट द डिफरेंसिस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर तो जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस उनके डिफरेंसेस हमें टेबल में एक्सप्रेस करने हैं तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है लिक्विड जिस भी कंटेनर के अंदर प्लेस्ड होता है उसकी शेप एक्वायर कर लेता है गैसेस की ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही उनकी वॉल्यूम होती है कंटेनर में जितनी भी वॉल्यूम अवेलेबल होती है गैस उसको ऑक्यूपाई कर लेती है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता लिक्विड्स को भी काफ़ी हद तक कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है दे आर कंप्रेसिबल बट टू अ वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल आप गैसेज को कंटेनर्स में प्रेशर की मदद से कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली लिक्विड्स के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं जबकि गैसेज के पार्टिकल्स दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन इन हाई स्पीड्स तो गैसेस के पार्टिकल्स हाई स्पीड के साथ कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं दे हैव हैव वेरी लिटिल बिटवीन बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड लार्ज देम और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होती है इसीलिए आप लिक्विड्स और गैसेस को उनके थ्रू आराम से कट कर सकते हैं ठीक है यू कैन इजीली मूव थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस जबकि सॉलिड्स को कट करके उनके थ्रू मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं लिक्विड्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उन पर पार्टिकल्स के बीच में वो कम होती है और गैस के पार्टिकल्स में देर इज द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दीज आर द मेन फाइव डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ना लेट इस मूव ऑन टू द बी पार्ट वेयर वी हैव टू कमेंट अपॉन दॉलोइंग टर्म्स हमें बहुत सारी टर्म्स दी हुई है उनको डिस्कस करना है सबसे पहले रिजिडिटी को डिस्कस करेंगे रिजिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट चेंज इन शेप सॉलिड्स आर हाईली रिजिड वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेज आर नॉट लिक्विड और गैस जो है वो आराम से फ्लो कर सकते हैं आप उनके पात को बैंड भी कर सकते हैं जबकि सॉलिड्स जो हैं वो अपनी शेप को रिटेन रखते हैं आप मान लीजिए जिस चेयर पे बैठते हैं या जिस टेबल पे आपकी नोटबुक्स रखी हुई हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप मैटर को अगर पुश करते हैं उसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो अगर उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है देन वी से दैट दी सब्सटेंस इज कंप्रेसिबल अब सॉलिड्स जो होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्रेस देम फर्दर कंपेयर टू देयर गिवन शेप जबकि लिक्विड्स जो हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स लिक्विड्स भी काफ़ी हद तक इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं जबकि गैसेस जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल उनके बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से गैस पार्टिकल्स को पुश करके दोनों तरफ से आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट फ्लूडिटी की बात करेंगे फ्लूडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो ठीक है कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है तो उसको फ्लूइड कहते हैं एंड दैट इज वाई लिक्विड्स एंड गैसेज आर क्लासिफाइड एज फ्लूइड्स बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज कैन फ्लो सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं आगे बात करेंगे फिलिंग अ गैस कंटेनर की तो गैसेस जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल उनको आप किसी छोटे से कंटेनर में प्रेशर एग्जर्ट करके कंप्रेस कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो कुकिंग गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर आपकी कुकिंग गैस जो है इट इज कंप्रेस्ड एंड स्टोर आगे मूव ऑन करेंगे शेप की बात करते हैं शेप इज द डेफिनेट बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है वो रिजिड भी होते हैं अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं जबकि लिक्विड्स एंड गैसेज दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर स्टोर आप वाटर को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेता है आप उसको बड़े जग में रखेंगे तो जग की शेप एक्वायर कर लेता है गैसेस तो पूरा कंटेनर जो होता है उसके अंदर जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है उसको ऑक्युपाई कर लेती है आगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक मतलब मोशन की हम बात कर रहे हैं तो अगर मोशन की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल पोजेस करता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है दे आर मोर लेस फिक्स टू देयर पोजिशंस वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे जबकि गैस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के पार्टिकल्स जो हैं रैंडम डायरेक्शंस में बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं लास्ट हम टर्म देखेंगे डेंसिटी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिड्स की डेंसिटी यूजुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है सॉलिड्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शन कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है इनफैक्ट वुड जो है वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसीलिए वुड वाटर के ऊपर फ्लोट करता है सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज नंबर सिक्स नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन पेज सिक्स गिव reasons इस क्वेश्चन में चार पार्ट्स हैं तो वन बाय वन हम सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे द फर्स्ट पार्ट इज अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट अब गैसेज जो होती हैं उनके पार्टिकल्स रैंडमली बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं There इज़ वेरी little अट्रैक्शन बिटवीन these पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है और हाई स्पीड से हर रैंडमली पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव करते हैं इसीलिए गैस जो है इट कंप्लीटली फिल्स द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट तो कंटेनर के अंदर जितनी भी स्पेसेस अवेलेबल होती हैं वहाँ पर गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं और उनको किसी ना किसी मोमेंट पर ऑक्यूपाई करते हैं बी पार्ट देखेंगे अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो ए पार्ट की तरह डिस्कशन चालू करेंगे पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड्स अब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हुए पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को भी स्ट्राइक करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी स्ट्राइक करते हैं तो जब पार्टिकल्स हाई स्पीड से वॉल पे टकराते हैं तो वॉल के ऊपर दे एग्जर्ट सम फोर्स एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं एंड दैट इज वाई दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच द गैस इज अब आगे मूव ऑन करेंगे सी पार्ट अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड तो एक वुडन टेबल जो होती है उसका एक डेफिनेट मास होता है उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है और इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है टेबल जो है इट इज रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स दैट इज वाई वुडन टेबल इज क्लासिफाइड एज अ सॉलिड इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड अब लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे वी कैन मूव इजिली मूव अवर हैंड एन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने डाइवर और स्विमिंग पूल के केस में भी डिस्कस किया था गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत बड़ी स्पेसेस होती हैं तो उन एम्टी स्पेसिस के थ्रू हम अपने हैंड मूव कर सकते हैं और अगर कुछ एक पार्टिकल्स स्ट्राइक हो भी जाते हैं हमारे हैंड से तो वो बाजू की एम्टी स्पेसिस में डिस्प्लेस हो जाते हैं सो वी कैन ईजिली डिसप्लेस गैसेज एंड मूव आवर हैंड्स थ्रू द गैस तो इसीलिए हम एयर के अंदर अपने हैंड को ईजिली मूव कर सकते हैं इनफैक्ट सिमिलरली हम वाटर की बकेट के अंदर भी अपने हैंड को मूव कर सकते हैं जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी काफ़ी स्पेसेस होती हैं लेकिन सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं इस केस में वुड का डिस्कशन हो रहा है तो वुड का जो सैम्पल है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होती है एंड दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर इसी लिए वुड के थ्रू हमारे हैंड को पार कराना उसके थ्रू मूव कराना बहुत डिफिकल्ट है एक ट्रेंड कराटे एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है तभी वो वुड की पीस को ब्रेक करके उसके थ्रू अपने हैंड को मूव करा सकता है तो डिस्कशन जो था दैट वॉज अबाउट द स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ माटर लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस ज्यादा होती हैं तो उनके थ्रू हम अपने हैंड को मूव करा सकते हैं लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव अवर हैंड थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट सो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री लेट इस नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर ऑन पेज सिक्स लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर फाइंड आउट वाई तो यूजुअली जो है लिक्विड्स uh, की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है इसके पीछे रीज़न हमें पता है सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कम एम टी होती हैं लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में एम टी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से सेम मास ऑफ लिक्विड विल ऑक्यूपाई मच लार्जर वॉल्यूम तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो अब आइस जो है वो एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द empty स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ water. तो so, अगर हम आइस और वाटर का सेम मास कंसिडर करेंगे तो आइस की वॉल्यूम ज्यादा होगी और वाटर की वॉल्यूम कम होगी क्योंकि आइस में एमटी स्पेसिस ज़्यादा हैं तो डेंसिटी की डेफिनेशन देखते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम तो टोटल तो मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें डेंसिटी पता चलती है तो फॉर द सेम मास आइस के केस में वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी की वैल्यू कम आएगी जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो फाइनल आंसर है वो दूसरे आंसर नीचे है कुछ पार्ट ऊपर है इनफैक्ट आगे फिजिक्स में एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से देख सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट सिंक होंगे और अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो उसकी कितना पार्ट लिक्विड के सरफेस के ऊपर रहेगा और कितना पार्ट लिक्विड के सरफेस के नीचे रहेगा ये सभी कैलकुलेशंस डेंसिटी की मदद से आगे हम निकालना सीखेंगे फॉर द टाइम भी हमने देखा है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो वाटर से कम होती है और इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ़ क्वेश्चन नंबर फोर वी विल नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर नाइन एंड स्टार्ट द डिस्कशन विद क्वेश्चन नंबर वन कन्वर्ट फॉलोइंग देशर टू सेल्सियस स्केल तो हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए हैं केल्विन के यूनिट्स में इन्हें एक्सप्रेस किया गया है और इन्हीं टेम्परेचर को हमें सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम उस वैल्यू में 273 सेवेंटी एड कर देते हैं और उससे हमें टेम्परेचर इन केल्विन पता चल जाता है सिमिलरली अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो उस रीडिंग में से हम 273 सेवेंटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस हो जाएगा तो ये टेम्परेचर की यूनिट्स जो है उसके अंदर का कन्वर्जन करने का तरीका है अब इस क्वेश्चन में दोनों टेम्परेचर कैल्विन में दिए हुए हैं तो हम सेकेंड रिजल्ट यूज करेंगे जहां टेम्परेचर इज गिवन इन कैलविन और उसमें से 273 सेवनटी सब्ट्रैक्ट करने से आता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर 300 हंड्रेड दिया हुआ है तो 300 हंड्रेड माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी तो सेम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 27 डिग्री सेल्सियस सिमिलरली बी पार्ट में टेम्परेचर 573 सेवनटी दिया हुआ है तो हम 573 में से 273 सेवेंटी करेंगे एंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू थ्री डिग्री सेल्सियस तो यहाँ हमने दोनों पार्ट्स में गिवन टेम्परेचर को कैलविन स्केल की जगह डिग्री सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस किया है दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर वन नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन टू ऑन पेज नाइन वट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो हमें टेम्परेचर की दो वैल्यूज दी हुई है और उसपे हमें वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा लिक्विड फॉर्म में होगा या गैशस फॉर्म में होगा तो एक बार मैं सारे केसेस पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस से कम है एटमोस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग्स में तो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको हम आइस बोलते हैं अगर टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है तो वाटर जो है सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है इस टेम्परेचर पे अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो जो सॉलिड फॉर्म है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर तो जब तक सारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस रहेगा और ये जो अमाउंट ऑफ हीट होती है जिसकी मदद से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक बार सारा सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जीरो डिग्री सेल्सियस में उसके बाद अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा तो जीरो से लेके हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर हो तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इनफैक्ट वाटर जो टर्म है वो यूजली लिक्विड फॉर्म के लिए ही यूज़ की जाती है सॉलिड फॉर्म के लिए हम कॉमनली आइस यूज करते हैं जबकि गैशियस फॉर्म के लिए वी यूज द टर्म स्टील तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड और गैशियस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है तो इस टेम्परेचर पे वाटर को अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट गेन करता रहेगा जब तक सारा लिक्विड फॉर्म जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर तो जो एनर्जी से सारा आपका जो सैंपल है वाटर का वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसके बाद कन्वर्जन के बाद आप और हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर जो स्टीम का है वो हंड्रेड से ज्यादा हो जाएगा तो हंड्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर वाटर जो है इट एग्जिस्ट इन द गैशियस फॉर्म तो ये पांचों केसेस हमने देख लिया अब हम क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहला पार्ट है टू डिग्री सेल्सियस तो 250 डिग्री सेल्सियस 100 से ज्यादा है यानी कि वाटर जो है वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा सेकेंड पार्ट में हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉटर लिक्विड और गैशियस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो ए पार्ट का आंसर है वॉटर विल बी इन गैशियस स्टेट बी पार्ट का आंसर है वॉटर विल बी इन लिक्विड एज वेल एज गैशियस स्टेट सो दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर टू नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन पेज नाइन फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट तो कोई भी सब्सटेंस हो जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है सेम रहता है फॉर एग्जाम्पल जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है या वाइस वाइसावरजा लिक्विड जो है वो फ्रीज होके सॉलिड बनता है या फिर कोई लिक्विड बॉयल होके गैशस फॉर्म में कन्वर्ट होता है या कोई गैस जो है वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है इन सभी प्रोसेसेस के दौरान टेम्परेचर जो है इट रिमेंस द सेम इसके पीछे रीजन देखते हैं कि अगर आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट या बॉयल करा रहे हैं तो जितनी भी हीट आप सप्लाई करते हैं ऑल दिस हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा होती हैं और इन फोर्सेज को ओवरकम करने में हीट यूज अप हो जाती है जब ये सभी फोर्सेज को हम ओवरकम कर लेते हैं तो वो जो सॉलिड है इट कंप्लीटली मेल्ट इन टू अ लिक्विड सेम डिस्कशन हम बॉइलिंग के लिए भी कर सकते हैं तो जब स्टेट चेंज का प्रोसेस चल रहा होता है तो सारी हीट कहां यूजअप हो जाती है इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तो ये जो हीट है ये टेम्परेचर राइज में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है सारी हीट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग जाती है तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एक बार अगर सब्सटेंस की स्टेट पूरी तरह चेंज हो जाती है तो फर्दर आप हीट सप्लाई करेंगे तो फिर टेम्परेचर चेंज होना चालू हो जाएगा या फिर एक सब्सटेंस फ्रीज हो गया है उसके बाद आप और हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्सटेंस का टेम्परेचर फर्दर कम होने लगेगा सो दिस इज द रीजन व्हाई द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर नाइन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेज तो गैसेस जो हैं उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर या ये दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं तो अगर हम टेम्परेचर और की वैल्यू को कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस जो है उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू माइनस वन डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर स्टैंडर्ड तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ होती हैं जिस पे पर्टिकुलर गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं सो दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन ऑन पेज टेन वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बैटर ऑन अ हॉट ड्राई डे तो सबसे पहले मैं डेजर्ट कूलर की वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम देखेंगे कि ड्राई डेज के दौरान वो ज़्यादा कूलिंग क्यों करते हैं तो आपका जो कूलर है ये उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पर एक फ़ैन है और कूलर के जो तीन साइड्स होते हैं वहाँ पर मॉइस्ट पैड्स होते हैं बेसिकली पैड होते हैं जिनके अंदर हम कंटिन्यूसली पानी सर्कुलेट करते हैं तो कूलर की जो मेन बॉडी होती है जो उसकी तीन साइड्स हैं ये जो जिन पे पैड्स लगे होते हैं वो घर के बाहर लगा हुआ होता है और घर के अंदर सिर्फ फ़ैन फेस करता है जो कि अंदर ठंडी हवा फेंकता है तो होता क्या है कि कूलर जो है वो बाहर से हॉट और ड्राई एयर को सक करता है और ये हॉट और ड्राई एयर जो है ये इन पैड्स के थ्रू पास होती है अब ये जो पैड्स होते हैं इनके अंदर मॉइस्चर होता है पानी होता है इन पैड्स के अंदर और ये हॉट एयर इस वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है तो नाउ वाटर विल एब्ज़ॉर्ब हीट फ्रॉम द एयर क्योंकि हॉट एयर है तो वाटर उसके अंदर से हीट एब्ज़ॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और इसकी वजह से एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है दिस एयर बिकम्स कूल अब ये जो इवेपोरेटेड वाटर था ये भी एयर में मिक्स हो जाएगा और ये मॉइस्ट कूल एयर जो है ये कूलर के फैन के थ्रू कमरे के अंदर आती है तो आप देखेंगे तीन साइड मॉइस्ट पैड्स हैं हॉट एयर इन पैड्स के थ्रू मूव करती है उस मोशन के दौरान वाटर हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है इस कूल cool एयर को फैन के थ्रू हम रूम में सर्कुलेट करते हैं अब ये जो इवेपोरेशन हो रहा है मेन फिनोमिनल इवेपोरेशन है जिसकी वजह से एयर जो है वो कूल cool हो रही थी अब इवेपोरेशन डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी के ऊपर अगर सराउंडिंग्स में रूम में या फिर बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यानी कि ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है तो और ज़्यादा वाटर वेपर एयर में एड नहीं हो पाएगा एक लिमिट होती है जिसके बाद एयर में वाटर वेपर एंटर नहीं कर पाता है तो अगर हॉट ड्राई डे है यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो वेपोरेशन बहुत जल्दी होगा एंड अ लॉट ऑफ कूलिंग इफेक्ट कैन बी अचीव्ड। लेकिन अगर किसी दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है जैसे मानसून के दौरान डेली ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है तो एयर जो है इट इज ऑलरेडी सेचुरेटेड विद वाटर वेपर तो उसकी वजह से जब ये हॉट एयर आप पैड से पास कराते हो तो वाटर का फर्दर इवेपोरेशन नहीं हो पाता है और एयर का टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा सो दैट इज वाई डेजर्ट कूलर्स आर इन एफिशियंट ऑन ह्यूमिड डेज एंड दे कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे सो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन आई विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज टेन हाउ डज दॉटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर तो समर्स में हम मटके के अंदर अर्धन पॉट के अंदर पानी स्टोर करके रख सकते हैं और वो काफ़ी ठंडा रहता है इसके पीछे रीजन देखते हैं अब ये जो मटके की इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ मटका जो है क्ले से बनता है और उसके अंदर उसके सरफेस के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं ऑफ वेरी स्मॉल साइज तो अर्धन पॉट्स जो हैं दे कंटेन माइक्रोस्कोपिक पोर्स तो आपका ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो हमने पानी स्टोर किया हुआ है उसमें से कुछ पानी जो है इट गेट्स सक्ड इनटू टू दीज पोर्स इन पोर्स के अंदर पानी चला जाता है और वो पानी अंदर कंटेनर वाले पानी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है तो ये जो पोर्स के अंदर पानी है ये अंदर बल्क वाटर जो है उससे हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है एयर के अंदर तो चूंकि अंदर का जो कंटेनर है उसके अंदर से एब्जॉर्ब हुई है तो इसी वजह से अंदर जो पानी स्टोर्ड है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है सो दिस एब्जॉर्ब्शन ऑफ हीट कूल्स द वॉटर कंटेंड इनसाइड द पॉट ड्यूरिंग समर्स सो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर नाउ लेट इज डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन पेज टेन वाई डज अवर पार्म फील कोल्ड वेन वी पुट सम एसिटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट तो अगर हम अपने हाथ की हथेलियों के ऊपर पेट्रोल परफ्यूम या एसिटोन जो लिक्विड होते हैं उनकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है वी फील कोल्ड इसके पीछे जो रीजन है वो अब हम देखेंगे तो जब हम अपने हाथ के ऊपर एसीटोन डालते हैं या जो बाकी दोनों लिक्विड्स की हम बात कर रहे हैं तो दीज लिक्विड एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम दी पाम वो हमारे हाथ से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं तो चूंकि हमारे हाथ से कुछ हीट लॉस हुई है दैट इज वाई वी गेट द सेंसेशन ऑफ कोल्ड हीट लॉस की वजह से हमें ठंडा महसूस होता है सो दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री Now I'll discuss question number four on page number ten. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अब saucer जो होता है it is a wide and shallow dish. जबकि कप जो होता है इट इज़ अ बोल शेप डीप कंटेनर यहाँ आप फोटो देख सकते हैं सॉसर है उसके ऊपर कप रखा हुआ है सॉसर की डेप्थ बहुत कम है और वो बहुत ज्यादा वाइड है जबकि कप जो है उसकी डेप्थ ज्यादा है और विर्थ कम है तो जब हम सॉसर में चाय को पोर करते हैं या गर्म दूध को पोर करते हैं तो स्प्रेड हो जाता है सॉसर के अंदर जो लिक्विड होगा इट विल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया ठीक है वो पूरे सॉसर में फैल जाएगा और जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अब इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स एयर से, से एक्सपोज होंगे उतने ही ज़्यादा पार्टिकल साइमल्टेनियसली अंदर के लिक्विड से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे और उस हीट एब्जॉर्बशन की वजह से जो बचा हुआ लिक्विड है वो कूल हो जाएगा तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं तो यहाँ पे सॉसर के अंदर अगर मैंने मिल्क को स्प्रेड किया हुआ है तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये नीचे बल्क के पार्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं जितना ज़्यादा सरफ़ेस एरिया होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज होंगे उतने ज्यादा पार्टिकल साइमल्टेनियसली हीट करके करकेवेपोरेट हो जाएंगे जिसकी वजह से नीचे बल्क में जो लिक्विड है वो ज़्यादा हीट लूज़ करके जल्दी ठंडा हो जाएगा जबकि कप में डेप्थ ज़्यादा होती है सर्फेस एरिया कम होगा तो सर्फेस एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम होगी कूलिंग जो है वो स्लो होगी सो दिस इज द रीज़न वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर राधर देना कप तो लिक्विड के फैलने की वजह से वेपोरेशन ज्यादा होगा और वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा सो दिस इज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर फोर नाउ लेट इज डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन पेज टेन वट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर तो गर्मी के मौसम में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए सो वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर कॉटन से बने हुए कपड़े जो हैं समर्स में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं उसके पीछे रीजन देख लेते हैं समर्स में गर्मी की वजह से भी स्वेट अलॉट काफी ज़्यादा पसीना हमारी बॉडी रिलीज करती है बेसिकली पसीना क्या है इट इज़ जस्ट कंप्राइज ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट तो कॉटन जो है इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर वो हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोज इट टू आउटसाइड एटमोसफेयर तो कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ उसको एक्सपोज कर देगा अब ये जो स्वेट है ये जो वाटर है ये हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है तो हीट की एब्जॉर्बशन की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी वाटर रिलीज करती है वो वाटर हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और कॉटन क्लोथ्स उस प्रोसेस को हेल्प करते हैं अगर कॉटन की बजाय हम सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की बजाय बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर देता है जिसकी वजह से वी फील स्वेटी तो ना ही बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और पूरी बॉडी स्वेट से भर जाती है सो दैट इज वाई वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन चैप्टर एक्सरसाइजेज